देपालपुर के ग्राम चटवाड़ा में एक दलित के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त दबंगों द्वारा रोके जाने का मामला सामने आया है, जिसके कारण मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि ग्राम चटवाड़ा में एक दलित महिला की मौत होने के बाद परिजनों द्वारा शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान दबंगों द्वारा ग्रामीणों को रोक लिया गया, जिससे नाराज अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार धरने पर बैठ गए। इंदौर जिले के ग्राम चटवाड़ा में निजी शमशान में दलित महिला का अंतिम संस्कार करने के दौरान विवाद हो गया। बाद में प्रशासन की समझाइश पर समाजजनों ने दूसरे शमशान पर अंतिम संस्कार किया। दरअसल दलित महिला के शव को शमशान घाट में जलाने से रोकने पर बलाई समाज के लोग दलित नेता मनोज परमार के साथ ग्राम चटवाड़ा पहुंचे और मांग की कि महिला का अंतिम संस्कार निजी शमशान में ही हो, जिस पर गाँव के लोगों ने आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि जब बलाई समाज का शमशान है तो वे इस शमशान पर क्यों अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इस पर दलित नेता मनोज परमार धरने पर बैठ गए। देखो हमारे बुजुर्गो को जलने के लिए जगह नहीं है, क्या करें हम? धर्म परिवर्तन करें या देश से पलायन करें या शहर से गांव से पलायन करें? हमारा मार्गदर्शन करें आप। भाई अभी जो किकलौता में बना है यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, है कि हमारा धर्म हिंदू धर्म में जन्म हुआ है। गवर्नमेंट का नियम, मेरी बात सुनिए आप अच्छी बात बता रहे हैं। गवर्नमेंट का नियम होता है 2000 की पॉपुलेशन में एक शमशान घाट दे रहे हैं, और यहाँ जो है यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 1000 है और पिकलोदा का 1100 है। नहीं, यहाँ भी बनाएंगे भविष्य में हम लोग। ये जो है यहाँ पर जो शमशान है वहाँ पर करवा देंगे। जो प्राइवेट बता रहे हो, प्राइवेट किसी ने बनाया हो तो प्राइवेट में प्राइवेट। ऐसे तो राम जी भी प्राइवेट हो गए, कृष्ण जी भी प्राइवेट हो गए। नहीं, राम जी कृष्ण जी वाली बात नहीं है। जो यहाँ पुराना बना है जहाँ हमको सीट लगवाना, सीट की व्यवस्था करवा देंगे। कहाँ पर बना बताइए? कहाँ पर बना सर? दो मंत्री जी पूरा डूब गया। किस लिए आया? चटवाड़ा गांव है, ये हमारे देपालपुर का, देपालपुर तहसील जो कि इंदौर जिले में आती है, और इंदौर जिला जो हिंदुस्तान में 4-4 बार प्रथम आ चुका है स्वच्छता के लिए। आज आज़ादी के 72 साल बाद भी हमारे बुजुर्गों को जलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम छोटी जाति के। जब दंगे होते हैं तो हमको बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारे लोग लड़ने जाते हैं। राम कृष्ण बुद्ध महावीर भगवान शिव को मानने वाले हमारे लोग हैं, और आज हमारी माता जी का देहांत हो गया तो हमको जलने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जलने की जगह नहीं, आप कहीं पर भी जलाओ, आप इस शमशान में नहीं जला सकते क्योंकि वो ऊंची जाति वालों का शमशान है। हम छोटी जाति के हैं इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम ये आज़ादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जी रहे हैं, उससे ज़्यादा स्वतंत्रता तो इस्लामिक देशों में होगी हमारे लोगों को। आज कहते हुए बहुत दुखित मन है, आज मेरा पूरा समाज दुखित हो रहा है, आज मेरा पूरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा वर्ग दुखित हो रहा है कि आज हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा। और जब तक महिला को जलने नहीं देंगे, हमारे शव को जलने नहीं देंगे, मैं अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर शव को लेकर बैठा हूँ। ग्राम चितवाड़ा, देपालपुर, जिला इंदौर। सूचना पाकर तहसीलदार बजरंग बहादुर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी तो लोग मान गए। एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने बताया कि तहसीलदार बजरंग बहादुर ग्राम चटवाड़ा में ही थे। निजी शमशान पर अंतिम संस्कार की जिद पर कुछ लोग अड़े हुए थे। ग्राम की शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसको लेकर मामले को सुलझा लिया गया। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।